हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है क्लास टेंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग इंट्रो करेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है और इसका क्या यूज़ है आगे चल के, तो हम लोग उसके बारे में काम करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का जो भी है, जिस आज जैसे कि जो भी होगा 30 मिनट 45 मिनट का जो भी लेक्चर होगा, तो इसमें आपको जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो इसका क्या करेंगे हम लोग का जो प्रोसीजर है कि आप लोग, तो अगर हम हालांकि टाइम देंगे इसमें आपको उतारने के लिए जो भी है, तो या अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, जहां तक पढ़ाए जो 30 मिनट 45 मिनट में, इस लेक्चर का नोट्स जो है हम यही सी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वहां से जाके आप वेबसाइट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग DPP भी आप लोग को देंगे, जो कि डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, और जो भी लेक्चर पढ़ाएंगे इसी से रिलेटेड आपको DPP भी मिलेगा। तो आप लोग को ये सब ट्राई कर जरूर करिएगा, ताकि आप लोग का जो भी ये मार्क्स है इम्प्रूव हो सके, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्राय मतलब होता है तीन, थ्री क्या होता है थ्री, और गोनो मतलब होता है कि मतलब तीन जो भी साइड है, तीन साइड से मिलके हमको जो भी एक माप जो भी मिलता है उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हालांकि बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग हैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। और हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, तो जो भी एक अगर जिसका जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हुआ, तो समझ जाते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है हिंदी बोले, ठीक है। थोड़ा सा इस चैप्टर में जो है इस त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, इस ट्रायंगल के बारे में। इसमें जो ये 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं कर्व? मेरे साथ एक बार बोलिए कर्व। क्या बोलते हैं कर्व? अगर इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? HYPOTENEOUS, ठीक है। और हम लोग इसको जो डिनोटेड करेंगे संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में, स्मॉल एच, इसे यूज करते हैं स्मॉल एच। और इस त्रिभुज का यही एक ऐसा साइड है, भुजा है, जिसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, उसमें जो है इस चैप्टर में जो है ये साइड जो है, ये साइड कर्व जो है, ये एक ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसको मून पे रख दो, कि अर्थ पे रख दो, कि किसी ग्रह पे रख दो, ठीक है, कहीं भी रख देना है, तो इसका मान कभी भी चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर 90 के सामने अगर कर्ण बोल दिए, ठीक है, तो ये कहीं अगर ले जाए, चाहे उलट दें पुलट दें कैसे भी रख देंगे, इसका ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब 90 के सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये दो साइड, इस दोनों का बात हम नहीं कर सकते हैं, मतलब चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक ही केस में ऐसा ही बनाएंगे, तुरंत कभी ये हो जाएगा पी, कभी ये हो जाएगा पी, कभी ये भी, कभी वो भी, मतलब हम उलट फेर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो काम होता है इस दोनों का, कोण के बेसिस पे होता है, ठीक है, कोण के बेसिस पे। मतलब अब जो है ये तो 90 डिग्री हो गया, अब जब ये 90 हो गया, तो एक त्रिभुज में कितना मैक्सिमम एंगल होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मान लो हम इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं, तो कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी मिला के कितना बोल सकते हैं? 180 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं? अब जो है हमको पता है कौन बी कितना है, 90 डिग्री है, तो यानी कि कौन ए प्लस कौन सी बना कितना हो गया, 180 में 90 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब अकेला ये 90 डिग्री है और ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, इसका मतलब इससे जब भी होगा ये दोनों कौन क्या होगा, छोटा होगा। इससे क्या होगा जब भी होगा ये दोनों कौन,
छोटा होगा, या तो मान लो ये 45 हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, सॉरी ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, अगर ये 60 लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा। तो मतलब ये स्क्वायर उलट फिर रहता है, लेकिन जब भी होगा इससे तो कम ही होगा। तो आप लोग को क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी साइड हो, डजंट मैटर, उसके जो एंगल है, अगर एंगल बड़ा है ठीक, तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होता है। अगर एंगल यहाँ पे बड़ा हो तो उसके सामने वाला साइड जो भी है वो बड़ा होगा, या सामने अगर उलट इसका रिवर्स मारें तो अगर साइड बड़ा है तो उसके सामने वाला कोण भी बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझने के लिए, याद रखने के लिए एक चीज बताते हैं। जैसे आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें क्या है, पांडव का सबसे बड़ा भाई क्या है? आप लोग बोलेंगे युधिष्ठिर। नहीं, युधिष्ठिर तो है ही, लेकिन एक उसका और बड़ा भाई था कर्ण, जिसको बोलते हैं। हालांकि वो युद्ध कर रहा था दूसरी तरफ से, वो अलग बात है, लेकिन कर्ण उसमें क्या था, सबसे बड़ा भाई था। तो समझने के लिए आप लोग को भी, इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा है वो उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होता है। वहां भी कर्ण पावरफुल था। ठीक है, तो कर्ण जो है ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से नहीं। ऐसा नहीं कैपिटल एच से कर देंगे वो गलत हो जाएगा, कैपिटल एच नॉट अलाउड। ओके, तो हम लोग स्मॉल एच से यूज करते हैं। ठीक, अब जो है कर्ण तो हो गया, अब ये कर्ण आश्रित किस पे है, लंब और आधार पे। तो इसमें जो अभी हालांकि देखने के अनुसार लग रहा है, अभी हम किसी चीज को माने नहीं, एज्यूम नहीं किए कोई भी एंगल को, ठीक है, तो इसमें लग रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या होगा, बी। पी का मतलब क्या हो गया, लंब। पी का मतलब क्या हो गया, लंब, यानी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर हो गया। और बी का मतलब क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बी का मतलब बेस, आया समझ में, बेस मतलब हो गया आधार। तो अभी देखने में लग रहा है ये क्षैतिज है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल है, तो आधार बोल दिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया बिल्कुल। अब जो है अभी हम कुछ ऐसा चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बता रहे हैं आपको, इंट्रो दिला रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, और इस त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ऑपरेटनियस कर, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस चैप्टर जो भी ट्रायंगल है इसमें क्या हम पढ़े अभी तक, पढ़े हैं कि इसमें जो ये कर्ण होता है या हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और बेस क्या होता है, ये इसका आधार हो गया, जो कि अर्थ के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, अर्थ के जो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इसको याद रखना है। इस दोनों को याद रखना है या नहीं वो अलग बात है, उसको नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको याद होना चाहिए कि 90, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही फिगर मिलेगा आप लोग को, फिगर ऐसा भी मिल सकता है, इस प्रकार का भी मिल सकता है, और यहाँ 90 डिग्री बोल देगा। ठीक है, तो ऐसा भी कैसा भी फिगर रहे डजंट मैटर, सिर्फ ये याद रखना है कि 90 के सामने वाला भुजा जो है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, और जैसे ही कर्ण आया आप लोग को वहां बता दिया जाएगा कि कौन ए लेना है, कौन सी लेना है। ठीक है, तो उस अनुसार आप काम करेंगे। अब जैसे कि बात करेगा कि अगर कौन सी की बात कर देगा वो, ठीक है, तो कौन सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा। और आप लोग को पता होना चाहिए एक चीज कि कौन के सामने, ऐसे पढ़ाएंगे आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस जब खींचेंगे तो वहां आपको बता दिया जाएगा कि कौन के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। ठीक है, क्या होता है अभी जान लीजिए थोड़ा बहुत कि कौन के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। अब जो है कौन के सामने वाला भुजा अगर लंब कहलाता है, जैसे कि हम ले लिए कौन सी, क्या ले लिए, कौन सी ले लिए, तो कौन सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यानी कि अगर मान लो कर्ण ये हो गया और हम कौन इसको लिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ का मान हम लिए हुए हैं, तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो जब ये लंब कहलाया अब तब ये क्या बचेगा, आधार कहलाएगा, इसको बोलते हैं बेस, यानी ये परपेंडिकुलर अगर हो गया तो ये तो बेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीन ही चीज ना होता है इस ट्रायंगल में, हम कर्ण की बात करते हैं, हाइपोटेनियस की बात करते हैं, या परपेंडिकुलर की बात करते हैं, या बेस की बात करते हैं। समझ में आया, तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, और एक चीज को हम फिर से बोल रहे हैं कि कौन ए जो होता है,
एक ट्रेंगल में मैक्सिमम तीनों कोनों का जो एंगल सम है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अकेला ये 90 डिग्री जब है तो इस दोनों को मिला के कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा। तो जब भी होगा इससे तो छोटा ही होगा ये, ठीक है। तो इससे ये क्या होगा, ये दोनों कोण जब भी होगा छोटा ही होगा, समझ में आया बिल्कुल। तो अब जो है ये हाइपोटेनियस हो गया, आप लोगों को बताया याद रखने का ऐसा तरीका है, तुरंत जैसे ही हाइपोटेनियस जैसे राइट एंगल आए तुरंत इमेजिनेशन करना है महाभारत का। तो महाभारत में क्या है, कर्ण बड़ा है, पांडव की यात्रा है, हमें ऐसे दुर्योधन तक को याद नहीं रखना है। तो अब जैसे कि कर्ण हो गया तो ये तो हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और तुरंत माइंड में आना चाहिए ओ ये तो बड़ा हो गया। तो चलो अब जो है हमको अगर मान लो कौन ए बोल देगा तो कौन ए, तो तुरंत याद रखना है कि ये जो है सामने वाला भुजा बेस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब ये परपेंडिकुलर हो गया तब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, समझ में आया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस ट्रायंगल के लिए। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हो गया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो जो है अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो है इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का जो भी बताए उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जैसे इसमें है, तुम पढ़ेंगे साइन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, साइन के बारे में, SIN हम फुल नेम उसका लिख रहे हैं। हम लोग आगे चल के साइन ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ SIN लिख देंगे, सिर्फ यहां तक यूज करेंगे। अभी आप लोग को समझाने के लिए हम जो है पूरा ही लिख रहे हैं SIN, ठीक है। और फिर हो जाएगा कोसाइन, क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा, फिर हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है। क्या हो गया, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, फिर टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि इसका उल्टा, ठीक है, इसका इनवर्स क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, क्या होता है, कोसेक एंड हो जाता है, ठीक है। कोसाइन का उल्टा होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड, मतलब साइन का क्या हो गया कोसेक एंड, और कोसाइन का क्या हो जाता है सेकेंड, ठीक है। और कोटेंजेंट का हो जाता है, टेंजेंट का हो जाता है कोटेंजेंट, क्या हो जाता है कोटेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाता है कोटेंजेंट, कोसाइन का उल्टा सेकेंड हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेकेंड, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे का उल्टा, इनवर्स, ठीक है। तो अब जो है ये लिख लिए, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब साइन का क्या हो गया, उसे बोलना है कोसेकेंड, कोसाइन का क्या हो गया सेकेंड, फिर टेंजेंट का क्या हो गया कोटेंजेंट, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जो है इसमें जो साइन का उल्टा हो गया कोसेकेंड, कोसाइन का क्या हो गया सेकेंड, टेंजेंट का क्या हो गया कोटेंजेंट, ठीक है। तो हम लोग आप लोग बता दिए कि ये जो है इसका उल्टा होता है, इसका ये उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा ये, तो मतलब जस्ट वाइस वर्सा है, ठीक है। कोसेकेंड का साइन फिर हो जाएगा सेकेंड का, फिर कोसाइन हो जाता है कोटेंजेंट का टेंजेंट, तो ठीक है। अब जो है आप लोग को कुछ याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है उसको बोल पी बाय एच, क्या होता है पी बाय एच। तो अभी तो आप लोग को पता है P क्या होता है, H क्या होता है, मतलब P क्या हो गया, यहां पे P हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। आप लोग वर्ड वुड देख लीजिएगा इसका स्पेल थोड़ा सा। H क्या होता है हाइपोटेनियस, TENEOUS, ठीक है, स्पेलिंग सब चेक करते रहिएगा। P बाय H, तो जब साइन का क्या हो गया P बाय H, तो कोसेकेंड का क्या हो जाएगा, हम अभी तुरंत बोले हैं
इसका ये जस्ट उल्टा है, तो बस P by H है, तो इसको क्या करना है, उलट देना है, यानी P by H क्या हो जाएगा, अब H by P हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, H by P हो जाएगा, आए समझ में, तो यानी P by H sin का हो गया, तो sin का जैसे ही P by H हुआ, तो cosecant का क्या हो जाएगा, तुरंत इसका उलट कर देंगे, यानी P by H अब क्या बन गया ये, H by P में बन गया, समझ में आया यहाँ तक, चलो, और उसमें तो जान ही रहे हो एच क्या होता है, हाइपोटेनियस हो जाता है, अभी यहाँ लिख ही दिए हैं, एच क्या होता है, हाइपोटेनियस हो जाता है, पी क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है हम कोसाइन के लिए बात करते हैं, कोसाइन का क्या होता है फॉर्मूला, इसको मिटा देते हैं, कोसाइन का क्या हो जाता है, बी बाय एच, क्या होता है, बी बाय एच, यानी बी क्या है, बेस है, अभी तुरंत हम बताए हैं समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, कि B क्या होता है, B हमारा बेस होता है, ठीक है, और H क्या होता है, H तो पता ही है, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे B जो है ये क्या है आपका, बेस है, लिख देते हैं, H है आपका हाइपोटेनियस, बार बार हम लिख रहे हैं टेनियस, ठीक है, H तो ये लिख ही दिया। अब जो है अगर कोसाइन आपका B बाय H है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बोले कि कोसाइन का उल्टा क्या होता है हमारा, सेकेंड होता है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, H by B हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो कोसाइन जो तुम्हारा आपका हुआ B by H, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, H by B, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है फिर tan का बताओ क्या होगा, B by B, tan का क्या होता है, B by B, तो cotangent का क्या हो जाएगा फिर बताओ, तो obviously बात है B by B, ये P by B, तो ये क्या हो जाएगा, B by B, ठीक है, और B P पता ही है, हम नीचे लिख देते हैं एक बार फिर से आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, P होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, आप लोग माफ कीजिएगा थोड़ा सा राइटिंग खराब है, ठीक है, जैसा भी है फिर लिख लीजिए, B क्या हो गया, B जो है आपका बेस हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है, इसके बार बार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग को लगता होगा बार बार इसको हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग को आगे चल के पता लगेगा ये ऐसा क्यों बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो P परपेंडिकुलर हो गया, स्पेलिंग फर्स्ट चेक कर लीजिएगा आप लोग, B बेस होता है और H क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है, तो अब जो है साइन हो गया, फिर से बोल देते हैं एक बार, साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, B बाय H, तो हमको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट हो जाता है, यानी एच बाई पी, ठीक है, अगर हम कोसाइन बोले तो कोसाइन क्या होता है, बी बाई एच, तो कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सेकेंड, यानी एच बाई बी, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या होगा, पी बाई बी, तो क्या होगा, कोटेंजेंट क्या हो गया, बी बाई पी, मतलब जस्ट इसका उल्टा, आ रहा समझ में, तो बिल्कुल। अब जो है थोड़ा सा हम क्या करते हैं, साइन का जो फॉर्मूला लिख लिए, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब मजा आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है हम थोड़ा सा लेते हैं, अब जो है हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस को पर ध्यान देते हैं, क्या है पाइथागोरस, उसी से रिलेटेड ये सब टॉपिक है, ठीक है, और हमको पता है कि पाइथागोरस जो है ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए ही वैलिड है, ठीक है, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा फिर से आते हैं इस पे और पाइथागोरस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो गया, अभी ये 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये अभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जब तक कि हम इस पे 90 डिग्री नहीं लगा देते, देखिए एक बात समझ लीजिए, 90 डिग्री को लिखने की जरूरत नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा लिख के 90 डिग्री लगा देंगे तो ये 90 डिग्री हो, ऐसा नहीं होता है, 90 डिग्री जो है ये सिर्फ ऐसे लगा दिए तो समझ जाना है कि 90 डिग्री, अदर कोई भी एंगल को अगर हम ऐसे लिख देंगे सिर्फ, तो उससे समझ में नहीं आएगा कि 30 डिग्री 45 डिग्री के 60 डिग्री, ठीक है, जब तक वहां पे लिखेंगे, लेकिन 90 डिग्री जो है एक राजा के तरह रहता है, ठीक है, ये सिर्फ बोलता है कि सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो हो गया 90 डिग्री, आए समझ में, तो आप लोग को भी ये अवधारणा लेना है, अब ऐसा क्यों लिखा अब ये डजन मीटर, ठीक है, सिर्फ समझना है कि 90 डिग्री ऐसे लिखा है, ठीक है, अब जो है ये 90 डिग्री हो गया, हम लोग को पता है कि 90 के बताइए आप लोग बताइए कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कर लाएगा, ये सामने वाला भुजा क्या कर लाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कर लाएगा, ठीक है,
अब जब ये हाइपोटेनियस है, अभी मान लेते हैं तत्कालिक हम लोग ये पी और इसको बी, मतलब पी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया और बी क्या हो गया बेस हो गया, आया समझ में? तो कुछ लिखिए आप लोग पाइथागोरस से रिलेटेड, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ टॉपिक, देख लीजिएगा स्पेलिंग आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है हम लोग का एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों को पता ही है एच क्या होता है कर्ण होता है, एच को बोलते हैं हाइपोटेनियस, पी क्या होता है लंब होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बी क्या होता है बेस होता है यानी आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो है हम लोग ये फॉर्मूला को पढ़ते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि इसमें जो है हम लोग टेंथ में पेंट में कि नाइन्थ में पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्रूफ भी करना है इसको, ठीक है। अभी आप लोग समझ लीजिए ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है ये जब निकला तो हम लोग थोड़ा सा इस पर डेरिवेशन सा करते हैं। अगर एच हमारा तब अगर निकालना हो सिर्फ क्या करेंगे, आप लोग को पता ही है स्क्वायर है, अगर दूसरे साइड अगर भेजेंगे इक्वल के दूसरे साइड तो वो स्क्वायर किस में टूट जाता है रूट में आ जाता है, अगर यहाँ क्यूब आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर टू आया तो इधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच ग्राउंड तब क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हमको पी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सब इसी से फॉर्मूला, देखो जितना भी अभी चार पांच छह फॉर्मूला पढ़ेंगे इससे रिलेटेड सब यहीं से आया, ठीक है। तो आप ऐसा इस नहीं कुछ नया हो इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एच अगर ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में हम जानते ही हैं, अगर हमको ये अगर पी है पी स्क्वायर इज इक्वल टू तो इसको क्या करेंगे प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और अगर हमको सिर्फ पी ही चाहिए तो क्या कर देंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, आ रहा है समझ में। अब अगर हमको पी निकाल लिए एच निकाल लिए, अब हमको अगर बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पी को दूसरे साइड भेज देंगे तो ये प्लस में, देखो नहीं आगे कुछ चिन्ह है तो प्लस कराता है, इस पी को उठा के इधर लाओ। अब जो है पी इज इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब अगर हमको बी निकालना हो तो क्या करेंगे, इस भाई साहब को इधर लाके लाएंगे तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर सिर्फ हमको बी ही चाहिए तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को उधर जाकर भेज देंगे रूट में चले जाएगा वो, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, समझ में आया। तो मतलब ये सब प्रोसीजर है इसका कि इस प्रकार का फॉर्मूला आप लोग को अगर एक याद रहता है, अगर आप लोग का कैलकुलेशन बढ़िया है, ठीक है, तो आप लोग इतना याद करने की जरूरत, हम तो याद नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक याद रहिए उसी से सब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि कैलकुलेशन बढ़िया रखिए, मतलब इसको जैसे कि अभी किए इसको चार बार पाँच बार घर में ट्राई करना है तो याद रहेगा, ऐसा नहीं एक बार देखें और बैठ के रट्टा मार रहे हैं, मैथ रटने का चीज नहीं है, ठीक है। इसको जितना अच्छे से समझिएगा उतना ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है या इस ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पर पूरा अगर फोकस रहेगा तो परफेक्ट नंबर इससे मिल जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो इतना ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन इससे नहीं रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हमको सिर्फ एच निकालना हो तो स्क्वायर उधर चले जाएगा रूट में चले जाएगा यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमको पी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, इस भाई साहब को इधर भेज देंगे यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और अगर हमको सिर्फ पी ही चाहिए तो कैसे निकालेंगे, पी अगर निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए आ गया। और अगर हमको बी स्क्वायर चाहिए तो यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि इसको उधर लेके चले गए। तो जैसे ही इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड किए यानी LHS से RHS या RHS से LHS लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह जो है तुरंत उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में क्या होगा, जैसे प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस में बन जाएगा, और अगर स्क्वायर में है तो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्यूब में है तो क्यूब रूट हो जाएगा।
और गुना में है तो भाग में हो जाएगा, मतलब ये सब प्रोसीजर इसका होता है, ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बी निकालेंगे क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समझ में आया। तो अब जो है इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक टॉपिक हो गया। तो अब जो है इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तब ये हमारा कंप्लीट होगा। ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा है क्या रूट वूट है, क्या स्क्वायर है, क्या प्लस क्या माइनस, तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, अगर हमको एच अगर दे दिया हो, जैसे एच दे दिया मान लो 13, ठीक है, और अगर मान लो पी का मान भी दे के रखा है हमको 5 मान लो, तो कुछ देगा बताओ पी का मान कितना होगा। एच का मान 13, पी का मान 5, तो बोल देगा बी का मान निकालो। तो तुरंत याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, हम तो सजेस्ट करेंगे ये फॉर्मूला। तो यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमको पता है पहले ये देखना है कि हमको निकालना क्या है और क्या क्या दे के रखा है, ठीक है। तो पहले क्या करें, हमको दिया है एच तो दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, इसका मतलब है तुरंत माइंड में आना चाहिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यानी बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो तुरंत हमको पता है बी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो तुरंत लगा दो फॉर्मूला सॉल्यूशंस। अब जो बी इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जब हो गया, हमको पता है एच कितना है, बोलो बोलो जल्दी, एच कितना है, एच है 13, कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी कितना है, पी है हमारा 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया 169 इसका हो जाएगा, और ये कितना होगा 25, जब इसको घटाओगे तो ये कितना होगा 144, और हम लोगों को पता है कि 144 का रूट क्या होता है 12। तो इसका मतलब है कि एच जब 13 हो गया और पी 5 हो गया तो बी कितना हो गया 12, यहां से 12, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो एच बराबर जो भी है, पी बराबर कुछ भी हो, ठीक है, वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के मदद से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्या जाता है। हम इसमें ले लिए p बराबर 10, ठीक, और b बराबर ले लिए हम मान लो 5, और हमको h निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तुरंत याद होना चाहिए फॉर्मूला, h बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच बराबर हो गया फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो पी कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 इधर हो जाएगा और ये कितना होगा 25, यानी 125 हो गया रूट अंडर। और इसको जब तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और हम लोग को पता है रूट में क्या होता है 2 का जोड़ा लगता है, तो 2 का जोड़ा लग गया, एक बाहर हो गया एक अंदर रह गया, इसका जोड़ा नहीं लग पाया, इसका कपल नहीं बन पाया, इसलिए ये अंदर ही रह गया, इसका बन गया तो ये निकल गया, समझ में आया। तो ये हो गया आपका 5 रूट 5, यानी एच भी निकल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग को काम करना है इसमें, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत ये आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अब कुछ जो है इसका एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, वहां जैसे पढ़े हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, तो उसका एप्लीकेशन इसी के थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है। उसको जो जो भी सॉल्व करना हो इसी के थ्रू हम लोग काम करेंगे, आए समझ में। तो आप लोग को जो है हम आज का लेक्चर जो है यहीं पे स्टार्ट एंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग आज क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि ट्रिगोनोमेट्रिक, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े कि साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में जाने, उतना तो नहीं जाने, अगले लेक्चर में उसको जानेंगे। सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला बता दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच, और साइन थीटा इज इक्वल, हम लोग दोहराइए एक बार, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक, फिर क्या होता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, फिर टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े और साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच होते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी होते हैं, फिर इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे अगर हम कॉसेक का, तो कॉसेक क्या लिखेंगे एच बाय पी लिख देंगे, फिर लिखेंगे सेक का तो सेक क्या हो जाएगा एच बाय बी हो जाएगा,
और अगर कॉट का चाहिए तो बी बाय बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो उसका एप्लीकेशन हम लोग नहीं किए, बट ये जो है पाइथागोरस के बारे में हम लोग बताए आपको कि क्या होता है एच, क्या हो गया पी, कैसे निकालते हैं एच, अगर दो मान दिया हुआ है तो तीसरा कैसे निकालेंगे, तो वो सब आज पढ़े, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है आप लोग को जो भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, जो भी बुक्स है आपका, चाहे रेफरेंस बुक जो भी है, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, किसी से आप लोग इससे रिलेटेड तो टॉपिक आप लोग टच कीजिए, आप लोग से डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। और आगे लेक्चर में कुछ नए नए ट्रिक के साथ आएंगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ नया ट्रिक बताएंगे कैसे याद किया जाता है, ठीक है। कोई जैसे बड़े बड़े फॉर्मूला जैसे साइन 90 माइनस थीटा, वो सब आगे पढ़िएगा, कॉस थीटा, तो सब एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो आज तो रहने देते हैं इतना ही, ठीक है, और होगा तो शायद देखते हैं, अगर काम हो गया तो DPP भी आप लोग को मिल जाएगा आज ही, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आज जितना तक पढ़े उससे रिलेटेड आपको लेक्चर नोट्स भी मिल जाएगा, समझ में आया। तो आप लोग जो है इस पे पूरा काम कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।